गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। फरवरी 2022 पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पार्ट वन, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चंस को हम अपने इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे और आगे के लेक्चर्स में हम पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इन क्लासेज के साथ साथ फर्दर क्लासेज की प्रिपरेशन भी आपके बहुत ईजी मैनर में इसी चैनल पर रहेगी। लेट्स स्टार्ट द पेपर यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है के मैप की हेल्प से। 4 वेरिएबल्स आपको गिवन है एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑन एसओपी एंड पीओएस। तो एसओपी और पीओएस दोनों ही फॉर्म में आपको इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करके दिखाना है। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 10 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम, हाउ इज इट यूजफुल एंड इलस्ट्रेट इट्स यूज विद सुटेबल एग्जाम्पल। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन, मल्टी लेवल नैंड एंड नॉर सर्किट्स एंड बुलियन एलजेब्रा। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 6 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो कि हमें सॉल्व करना है यूजिंग के मैप, तो 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स की हेल्प से हम जो है के मैप बना लेते हैं 4 वेरिएबल्स का। तो के मैप बनता है इस तरीके से, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कैसे होता है, ये कैसे बनता है। 4 वेरिएबल्स के लिए 2 की पावर 4 यानी हमने 16 सेल्स लेने होंगे। हम लेंगे 16 सेल्स लाइक दिस, और ये 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड डी, दिस इज बी। ठीक है, तो आप जो है इसको पार्टीशन करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ए बी, यहाँ सी डी। ठीक है, और अब दिस वन इज 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो टॉपिक्स हैं अगर डिटेल्ड सीखने हैं तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डिटेल्ड जा कर के, अगर कोई भी टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत ईजी मैनर में हर टॉपिक वहाँ पर समझाए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन जो कि 0 1 2 4 5 6, ठीक है। अब हम हर एक सेल को यहाँ पोजीशंस दे देते हैं, और ये पोजीशन इस तरीके से दी जाती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इस तरीके से हम जो है पोजीशंस देते हैं। नाउ वी असाइन द नंबर टू 0 1 2 4 5 6 8 9, 0 1 2 4 5 6 8 9। ठीक है, अब 12 13 14 12 13 एंड 14। ठीक है, अब हम इनके बनाएंगे ग्रुप्स। और पहला ग्रुप है बड़ा ग्रुप, सबसे पहले हम लेते हैं, तो ये हमारा पहला ग्रुप 8 का ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम जो है इन 1 को कवर करेंगे। तो पहले 8 का ग्रुप देख लेंगे, बड़ा ग्रुप अगर कुछ बन रहा है, यहाँ 8 का कोई ग्रुप अब फर्दर नहीं बन रहा, तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। 4 का ग्रुप यहाँ कॉर्नर से ले लेते हैं, ये वाला, ये, तो ये हमारा था पहला ग्रुप। ठीक है, और ये है सेकेंड ग्रुप। फिर हम यहाँ से इस 1 को कवर करने के लिए फिर से एक 4 का ग्रुप बनाएंगे। पहले हम लार्ज का ग्रुप बनाते हैं, और अगर ग्रुप नहीं बनता तो हम उससे स्मॉल का बनाते हैं। तो ये है हमारा थर्ड ग्रुप, 4 का ग्रुप ये भी बन रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहले हम इसको लिखेंगे एसओपी फॉर्म में। ठीक है, तो
एसओपी फॉर्म लेते हैं इस फर्स्ट ग्रुप की, जो ये बड़े वाला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इसके हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी दोनों तरफ वैल्यूज देखते हैं। तो अभी पहले इसके यहाँ इसके हॉरिजेंटल पे ये वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू जो कट रही है वो काट देंगे। 0 0 से 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट गया इस बड़े ग्रुप के लिए, ठीक है। फिर यहाँ जो ऊपर है वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा बी चेंज हो रहा है, ए बार कॉन्स्टेंट है पहले ग्रुप में, ठीक है। ये पहला ग्रुप आपने सॉल्व कर लिया। फिर सेकंड ग्रुप को देखेंगे ये, और सेकंड ग्रुप में हॉरिजेंटल यहाँ पे और वर्टिकल यहाँ पे, पहले वर्टिकल देख लेते हैं। तो इसमें जो बी ए चेंज हो रहा है, बी बार कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इधर से अगर हम देखें इन दोनों में, तो यहाँ पर डी चेंज हो रहा है, सी बार कॉन्स्टेंट है। तो जो कॉन्स्टेंट होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड ग्रुप लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये थर्ड ग्रुप, इधर से और इधर से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल वैल्यू वर्टिकल वैल्यू ये हैं, जहाँ पर बी ए चेंज हो रहा है और बी बार कांस्टेंट है, ठीक है। और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे सी चेंज हो रहा है, डी कांस्टेंट है। तो दिस इज एसओपी फॉर्म। तो ये हमारी आ गई एसओपी फॉर्म। नाउ वी टेक द पीओएस फॉर्म, ठीक है। और पीओएस फॉर्म के लिए एक बार, जहाँ जहाँ जीरो है पीओएस फॉर्म में, हम जीरो को कंसीडर करते हैं, एसओपी फॉर्म में हम वन को कंसीडर करते हैं। तो अब जीरो जीरो को लेंगे, एक बार इस के मैप को हम दोबारा से बनाएंगे इस बॉक्स को, ठीक है। तो फिर से हमने इस बार बनाना है इसको पीओएस के लिए। तो हमारे चार वेरिएबल्स हैं जिसके 16 सेल्स होंगे। इस बार हम इसे बना रहे हैं पीओएस के लिए। ये था एसओपी के लिए, ठीक है। और इस बार हम जो है 0 0 को कंसीडर करेंगे, 0 0 0 0, जहां पर 1 पुट नहीं है वहां पर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है। और ये हमारा ए बी और ये सी डी, एंड दिस वन इज 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्रुप। तो ये 4 का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का ग्रुप बन रहा है। तो ये दो ग्रुप्स हमारे दिख रहे हैं। पहला ग्रुप, दिस वन इज फर्स्ट ग्रुप, जो 4 का ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप, और ये जो 2 वाला ग्रुप है ये सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, दो ग्रुप्स रहेंगे पीओएस के लिए। और पीओएस में हम 0 को कंसिडर करते हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देंगे कि 0 0 से 0 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट गया। ऊपर जो बचा डैट इज ए बी, तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम यानी सम के प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो दिस वन इज ए प्लस बी। अब ये वाला पोर्शन हम देखेंगे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर से अगर हम देखें तो ये आपका बी चेंज हो रहा है, ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बी चेंज हो रहा है। और इधर से देखें तो जो सी और डी बार, सी प्लस डी बार, तो दिस इज पीओएस फॉर्म, ठीक है। दिस इज एसओपी फॉर्म, दिस इज पीओएस फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम? डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, कैसे ये यूजफुल है, और इसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताइए इसका यूज। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम 4 का सेकेंड पार्ट। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इस, आपने इसको लिखना है कैसे, लाइक दिस। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको लेते हुए अटेम्प्ट करना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है दिस वन, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है डेट इज ए बार प्लस बी बार, दिस इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। और डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में आप लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स
प्रोडक्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स प्रोडक्ट दिस वन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स प्रोडक्ट आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट. ठीक है, ये तो आप इसके बारे में लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स सम आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हैं. ठीक है, फिर आप जो है इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम को. कैसे ये डी मॉर्गन्स थ्योरम बनी है, तो इसमें आपने ए बी, ठीक है, ए बी एंड नेक्स्ट इज ए प्लस बी. पहला जो आपका पहला है उसको प्रूव करके दिखाएंगे. ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन. ठीक है, तो ए प्लस बी बार, नेक्स्ट इज ए बार बी बार एंड आप इन दोनों का नेक्स्ट कर देंगे प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके दिखा दें डी मॉर्गन्स थ्योरम के लिए. दो वेरिएबल्स हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे फोर. ठीक है, तो ए प्लस बी क्या कहता है कि कोई भी एक वन तो आंसर वन, अदरवाइज आंसर जीरो. अब इसका कॉम्प्लीमेंट डेट इज दिस वन. ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट वन वन जीरो जीरो, इसका अपोजिट. बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका अपोजिट डेट इज वन जीरो वन जीरो. अब इन दोनों का एंड, दोनों वन तो आंसर वन, नहीं तो आंसर जीरो. तो अब आपका जो कॉलम फोर है एंड कॉलम सेवन है, दोनों जो है इक्वल आ गए हैं. तो इट मीन्स ये फर्स्ट थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल. अब इसी तरीके से आप जो है दूसरी थ्योरम भी प्रूव करेंगे पेपर के अंदर. दिस वन इज सेकेंड थ्योरम. और यहाँ भी आपके पास दो वेरिएबल हैं ए बी. यही आपका तीन वेरिएबल्स के लिए भी पॉसिबल रहता है. दिस इज ए डॉट बी. नेक्स्ट वी विल टेक ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट इज ए बार, नेक्स्ट इज बी बार एंड नाउ वी विल टेक ए बार प्लस बी बार. ठीक है, दो वेरिएबल के फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब ए डॉट बी करेंगे, दोनों वन तो आंसर वन. ए डॉट बी ये होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डेट इज वन 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 जीरो. ए का कॉम्प्लीमेंट वन वन जीरो जीरो. ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट वन जीरो वन जीरो. देन ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ प्लस लगाएंगे और लगाएंगे. और का मतलब कोई भी एक वन तो आंसर वन, अदरवाइज आंसर जीरो. अब कॉम्प्लीमेंट कॉलम फोर एंड कॉलम सेवन, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं. तो इट मीन्स कॉलम टू भी, मतलब इक्वेशन टू भी प्रूव हो गई है. ठीक है, अब जो इसने नेक्स्ट चीज पूछी थी कि इसका यूज क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम का, तो इसका यूज है, इट इज यूज टू आंसर बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जो हमारे बुलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको, उसका सोल्यूशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इनके सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम को, पहला यूज़. दूसरा यूज़, इट इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव टूल, एक्सट्रीमली इफेक्टिव टूल फॉर डिजिटल डिजाइन. डिजिटल डिजाइन के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल रहता है ये. ठीक है, डिजिटल डिजाइन. नेक्स्ट इज, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूनिवर्सल गेट लाइक नैंड और नोर गेट. इनको जो है नैंड एंड नोर गेट, इनको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज करते हैं. तो ये हमारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करती है और ईजी भी बनाती है. हमारे जो एक्सप्रेशन होती हैं उनको ये ईजी बनाती है. ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग. दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन. अब आपने क्या करना है, बुलियन फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बताना है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट वन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन.
दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन रहती हैं। तो पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी, स्टैंडर्ड फॉर्म पहली जो रहती है स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, पहली होती है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको हम एसओपी फॉर्म भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट होती है पीओएस फॉर्म, ठीक है। अब हम जो है सपोज हमें गिवन है एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम, वाई इक्वल टू ए बार बी। पहले एसओपी फॉर्म को हम जो है दिखाएंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो मान लो हमें कुछ भी गिवन है, लाइक एक ट्रूथ टेबल गिवन है, यहाँ एक ट्रूथ टेबल जो कि गिवन है, और इसी से हम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है बनाएंगे एसओपी फॉर्म। सपोज एक ट्रूथ टेबल हमें दी हुई है, दिस वन इज ए बी एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और यह हमें दिया हुआ है 0 1 0 1, ठीक है। तो अब एसओपी फॉर्म के अंदर हम कंसीडर करते हैं 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम कंसीडर करेंगे, और ये वाला 1 को कंसीडर करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टर्म लिखी हुई है वो हम नोट करेंगे। तो दिस इज ए बार बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये हमने एसओपी फॉर्म के अंदर जो है इसको लिखा, इस एक्सप्रेशन को हमने एसओपी फॉर्म में लिखा। तो दिस इज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो जो भी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होती है उसके अंदर दोनों वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर होते हैं वो सारे वेरिएबल, ऑल वेरिएबल्स का एग्जिस्ट होना जरूरी होता है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ठीक है। किसी भी फॉर्म को स्टैंडर्ड बनाने के लिए ऑल वेरिएबल्स आर नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी, ओके। नाउ वी सी इट्स सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। ये फिफ्थ का ही सेकेंड पार्ट, जो मतलब इसी क्वेश्चन को, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, उसी को ही हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, दिस इज पीओएस फॉर्म। और सपोज यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रूथ टेबल, दैट इज दिस वन, ए बी एंड वाई, ये इनपुट्स हैं ए बी, और ये है आउटपुट 0 1 0 1, ठीक है। अब हमने इसमें पी ओ एस फॉर्म बनानी है, तो पी ओ एस के लिए हम 0 को कंसीडर करते हैं जैसा कि हमें पता है, और ये है हमारे 0, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हम उठाते हैं, और यहाँ पर जो 0 होता है उसका मतलब ए, और 1 होता है उसका मतलब होता है ए बार, यानी हम 0 को प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं पी ओ एस की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। तो ये है, दिस इज ए प्लस बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है ए, दिस इज बी, और यहाँ पे हम सम फॉर्म में रखेंगे पी ए प्लस बी। नेक्स्ट इज दिस इज ए बार प्लस दिस वन इज बी, तो 0 हमारा बी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पी ओ एस फॉर्म, तो स्टैंडर्ड पी ओ एस फॉर्म हो गई। तो ये स्टैंडर्ड है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फंक्शन के दो वेरिएबल्स ए और बी दोनों ही इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट जो कि पूछा गया था हमसे, दैट वॉज मल्टी लेवल नैंड एंड नोर सर्किट। तो ये जो क्वेश्चन है मल्टी लेवल नैंड एंड नोर सर्किट, इसको आगे भी इसी पेपर में पूछा गया है बड़े क्वेश्चन में, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टी लेवल नैंड एंड नोर सर्किट, ठीक है। तो मल्टी लेवल नैंड सर्किट, तो इसके अंदर क्या होता है पहले हम देखते हैं मल्टी लेवल नैंड सर्किट, ठीक है। अब हमें पता है, हम अपने पिछले लेक्चर्स के थ्रू ये हमें पता है कि हमें एक नोट गेट के लिए, एक नोट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए दो नैंड गेट,
सॉरी, एक नैंड गेट, एक नोट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक नैंड गेट, दिस इज वन नैंड गेट वी रिक्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एक एंड गेट के लिए, एक एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए दो नैंड गेट, और एक और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए थ्री नैंड गेट, ठीक है। तो ये हमारे पीछे भी हमने ये देख लिया है कि ये हमें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। तो अभी हम इनको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रूल्स हमें पता हैं, तो इससे हम जो है मल्टी लेवल नैंड सर्किट बनाएंगे। सपोज हमें कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, और उसको हम जो है मल्टी लेवल नैंड सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे। सपोज हमें दिया हुआ है ए बी प्लस सी बार, ठीक है, ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो अभी हमारे जो स्टेप्स रहते हैं मल्टी लेवल नैंड सर्किट के लिए, तीन स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप कि आप सिंपल एक लॉजिक डायग्राम बनाएं बेसिक गेट्स की हेल्प से, तो दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, तो आप सिंपल लॉजिक डायग्राम बनाएं। तो ये हमने सिंपल लॉजिक डायग्राम बना दिया है सी, ठीक है, ये हमारा हो गया सी बार, ये हो गया हमारा ए बी, ठीक है। अब इन दोनों का हमने बना दिया, इन दोनों के बीच में है हमारे पास और गेट, और दिस इज और गेट, तो दिस वन इज ए बी प्लस सी बार, ठीक है। सपोज ये हमारे पास गिवन था, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप कहता है कि इन गेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है। तो एक एंड गेट के लिए हमें दो नैंड गेट चाहिए, तो इस एंड गेट के को अब हम रिप्लेस करेंगे दो नैंड गेट में। तो पहला नैंड गेट, ठीक है, फिर दूसरा नैंड गेट, ये हमने रखा। फिर नोट गेट के लिए हमें चाहिए एक नैंड गेट, तो इस नोट गेट के लिए हम एक नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है। फिर हम और के लिए हमें चाहिए तीन नैंड गेट, तो इस और के लिए हम बनाएंगे तीन नैंड गेट, फर्स्ट नैंड गेट, सेकेंड नैंड गेट, एंड दिस वन इज थर्ड नैंड गेट। ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप कहता है हमें कि हम जो है ना रिमूव करें कास्केडेड इन्वर्टर को, जो हमारे सिंगल इनपुट वाले कास्केडेड गेट्स हैं, कास्केडेड नैंड गेट, मतलब दो नैंड गेट, लगातार दो नैंड गेट हैं सिंगल इनपुट वाले, हम उनको कट कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। ये हमने दो सिंगल इनपुट वाले नैंड गेट को कट कर दिया, रिमूव करना है आपको दो कास्केडेड नैंड गेट को, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और ये आपका जो थर्ड स्टेप के बाद जो आंसर आया डैट इज ए बी, ठीक है, ये है नैंड गेट, और यहां से आपका सी जा रहा है, और ये जा रहा है किस में, एक नैंड गेट में। तो दिस इज द आंसर ऑफ मल्टी लेवल नैंड सर्किट, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया मल्टी लेवल नैंड सर्किट। अब हम देख लेते हैं मल्टी लेवल नोर सर्किट। नाउ वी सी मल्टी लेवल नोर सर्किट। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज गिवन है, और मल्टी लेवल नोड सर्किट का भी वैसे ही स्टेप रहता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एक नोट गेट है, एक नोट गेट के लिए हमें चाहिए एक नोड सर्किट, ठीक है, एक नोड सर्किट चाहिए हमें, या हम नो गेट कह सकते हैं, और एक एंड और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, या फिर हम कहें कि एक और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए दो नोर गेट, और एक एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए हमें थ्री नोर गेट्स। तो ये हम हमारे रूल्स हैं, ये हमें पता है ये रूल्स कैसे आए हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चन करेंगे। सपोज हमें दिया हुआ है ए बी प्लस सी बार, ठीक है, ये सपोज इट इज गिवन।
अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे मल्टी लेवल नोड सर्किट में। तो पहला स्टेप कि हम जो है सिंपल डायग्राम बनाएं, तो ये सिंपल डायग्राम यहाँ पर एंड गेट और फिर सी, इसमें नोट गेट लगा करके दिस वन विल सी बार, दिस इज ए बी, और ये जो है इन दोनों के लिए और गेट, डेट इज ए बी प्लस सी बार, दिस इज ए बी प्लस सी बार। अब जो हमारा सेकंड स्टेप रहता है डेट इज कि हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है नोर गेट को अप्लाई करें, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम नोर गेट को अप्लाई करें, इनके कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लेस करें इसे। तो एक एंड गेट के लिए हमें तीन नोर सर्किट्स चाहिए। तो पहला नोर सर्किट नोर, दिस इज नोर, पहला नोर सर्किट दिस इज ए बार, फिर दूसरा नोर सर्किट, ठीक है, दिस इज बी बार, और इन के लिए तीसरा नोड सर्किट, ठीक है, दिस इज ए बार प्लस बी बार। अब इसका ये, तो अब उसके बाद जो है हमारा सी नोट गेट, यहाँ पर हमारा सी एक नोट गेट के लिए हमें एक नोड सर्किट चाहिए, तो एक नोड सर्किट हम लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नोड सर्किट। अब यहाँ पे ओर गेट को अप्लाई करने के लिए हमें दो नोर गेट चाहिए, तो हम यहाँ पे बनाएंगे दो नोर गेट, दिस इज पहला नोर गेट और दिस वन इज सेकेंड नोर गेट, ठीक है, तो ये हमने कर दिया सेकेंड स्टेप। अब हम रिमूव करेंगे दो कास्केडेड इन्वर्टर को, ठीक है, दो कास्केडेड नोट गेट को हम जो है नोर गेट को हम जो है रिमूव करेंगे, सिंगल इनपुट वाले, तो ये डबल इनपुट वाला है, यहाँ पर जो है डबल इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर भी सिंगल इनपुट है लेकिन यहाँ डबल इनपुट है, और यहाँ तो किसी में भी सिंगल इनपुट्स नहीं हैं, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही, यही हमारा आंसर रहेगा, और बस इसकी जगह जो ये था इसकी जगह हम जो है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको कर देते हैं सी बार, ठीक है, क्योंकि जो नोट गेट है वो हमने हटा दिया और उसकी जगह यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये भी हमारे स्टेप में रहता है। तीनों स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं, दिस इज आल्सो थ्री स्टेप, ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप हो गया है एंड नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल नोड सर्किट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा क्या होता है, तो इसको भी देख लेते हैं, थर्ड फिफ्थ का थर्ड पार्ट, डेट इज बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है, तो द एल्जेब्रा विच डील्स विद टू वैल्यूज, द एल्जेब्रा विच डील्स विद टू वैल्यूज डेट इज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बुलियन एल्जेब्रा, द एल्जेब्रा विच डील्स विद, एल्जेब्रा विच डील्स विद टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है, वन का मतलब ट्रू वैल्यू एंड जीरो का मतलब फॉल्स वैल्यू, ठीक है, ये जॉर्ज बुले ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है और 1880 के अंदर, ठीक है। अब बुलियन अलजेब्रा के बारे में हमें थोड़ा सा और बताना है, तो हम इसके बता देते हैं लॉज। अब बुलियन अलजेब्रा के हम बताएंगे लॉज, तो बुलियन अलजेब्रा के लॉज हम वन बाय वन करके बता दें। पहला लॉज होता है इडमपोटेंट लॉ, इडमपोटेंट लॉ, ठीक है, एंड दिस वन इज ए अपने आप के साथ प्लस किया जाए चाहे डॉट किया जाए आंसर सेम होगा। सेकंड लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, तो इस लॉ में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है,
आप इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। तो कोई भी नंबर जब अपने आप से प्लस होता है तो सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दिस इज ए डॉट ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। तो ए डॉट ए दिस वन इज वन, ए प्लस ए बी। एक सेकेंड, इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए डॉट बी, तो ए कॉमन निकाला, डेट इज वन प्लस बी। ऐसे सॉल्व कर लें। और यहाँ पे ये जो वन के साथ हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, हमने पहले किया है ये लेक्चर्स के थ्रू कि वन के साथ अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं आंसर वन ही होता है। तो ये इसका आंसर जो है आ जाएगा ए। तो ये है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। इसको हमने प्रूव करके देखा, एब्जॉर्प्शन लॉ एक और रहता है, डेट इज ए डॉट ए प्लस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखें तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। कोई भी चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई करती की जाती है तो सेम रहता है। ए इसको कॉमन निकाला, डेट इज वन प्लस बी, और वन के साथ जो भी कुछ ऐड किया जाए आंसर वन ही आता है। तो इसका आंसर होगा वन, ए, दिस इज ए। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ये सेकेंड लॉ हो गया। अब जो है आते हैं थर्ड लॉ पे। बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम ये लॉज बता रहे हैं। क्वेश्चन का जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, अगर ज़्यादा का आ जाता है तो भी आप इस तरीके से ये बताएंगे इन्वोल्यूशन लॉज। तो ये लॉ के बारे में आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वर्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इसमें आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, लॉज के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है, आपको ये लॉज पता होने चाहिए। ए प्लस वन, अगर आप इसके साथ वन को ऐड कर दें तो जो है वन के साथ आप कुछ भी अगर ऐड करते हैं तो आंसर वन ही आता है, दिस इज वन। ए को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए प्लस बी बार, इसको खोल देते हैं तो ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, और इसको भी खोलते हैं तो ए बार प्लस बी बार। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 6, 7 और 8, ये तीन क्वेश्चंस रहते हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के थ्रू देखेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, पता लगेगा कि हम आपके लिए ये सही कर रहे हैं, और आगे के लेक्चर्स में भी हमारे साथ आप जुड़े रहें, और हम लेकर के आएंगे 6, 7, 8 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। कमेंट सेक्शन में आप जो भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और लेक्चर्स के बारे में आप ज़रूर बता दें कि ये लेक्चर आपको कैसे लगे कमेंट्स में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।